इस वीडियो में हम बेबी सूट की कटिंग और सीना दोनों सिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने कपड़ा ले लिया है। 15 इंच लंबाई है इस कपड़े की और 12 इंच चौड़ाई। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है कपड़ा। पंद्रह इंच, ये 6 इंच, तीरे का निशान 9 इंच और मुड्ढे की लंबाई का निशान 5 इंच। छाती हमें 12 इंच रखनी है, तो ये 12 ही है। और वेस्ट रखनी है हमें 11, तो यहाँ आधा इंच पे निशान लगाते हैं गोलाई के लिए। और नीचे भी हमें इसमें गोलाई देनी है, आधा इंच की देनी है, इसमें ज्यादा नहीं देनी। और अब आते हैं गले पे, तो 1.5 इंच पे निशान है, 3 इंच चौड़ा रखना है और गहराई 2.5 इंच। और आधा इंच इसके तीरे में गिराव देना है। अब कटिंग करते हैं। एक इंच पीछे का गला और अब हम निक्कर पे निशान लगाते हैं। चौड़ाई 7 इंच लेनी है हमें इसकी। 14 इंच की ढिलाई रखी है, तो 7 इंच की हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। हमने 11.5 लिया है, ये 12 नहीं लिया। हमें इसमें नीचे पाइपिंग लगानी है। अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो 1 इंच कम काट सकते हो। हम इसमें नीचे पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारा निक्कर और ये बेबी सूट। अब हम इसे सीना सिखाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें कट लगाना है 4 इंच का, फोल्ड कर रखा है ये हमने। और ये जो पट्टी लगा रहे हैं हमने इसे 5 इंच लंबी काटी और 2 इंच चौड़ी। ये कुट के इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि परेशानी ना हो नीचे मोड़ने के लिए। आधा इंच मोड़ के और इसे फोल्ड कर देंगे और लब की सिलाई लगानी शुरू कर दो। इधर भी ऐसी सिलाई लगानी है मोड़ के। अब ये छोटा सा हमें ताबीज बनाना है इसमें, टी शर्ट जैसा। कुर्ते का बड़ा बनता है और इसका छोटा बनता है। ये गला तैयार। अब इस पे हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। अब पाइपिंग लगानी है मुड्ढे में। ये पाइपिंग हमने 10 इंच की ली है।
ऐसे ही इधर लगानी है। छोटी सी पॉकेट लगाएंगे हम 3x3 की। पेपर पर निशान लगा के इसे काटनी हो। और अब हम इसे कपड़े पर रखकर सिलाई लगा देंगे इसमें, कड़क बनाने के लिए, जो सफाई आ जाए सिलाई लगाने में। एक पैर की सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। गले में भी ऐसी पाइपिंग लगानी है मुड्ढों जैसे, जैसे मुड्ढे में लगाई। ठोका सही से बनाना है बिल्कुल, जो सामने में खराब ना लगे, अच्छे से मोड़ के इसे। अब साइड की सिलाई लगाएंगे इसे। नीचे से हमें एक पैर का मोड़ना है। गोलाई को बड़े नरम हाथ से मोड़नी पड़ती है, तो आप जल्दी ना करें। सूट तैयार है। नेकर में पाइपिंग लगाएंगे सबसे पहले। अब म्यानी पे सिलाई लगा दें। ये गिदरी है, इसमें अब गिदरी में सिलाई लगानी है। ऊपर से पहले एक पैर की सिलाई लगा ले इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक इससे हमें 2 इंच फालतू लेनी है ताकि छोटी न पड़े, और गोल करके सिलाई लगा लो इसमें। इलास्टिक से थोड़ी बाहर रखें कपड़े को इसे, जो इलास्टिक पे सिलाई ना आए, नहीं तो फिर खींचेगी नहीं इलास्टिक। देखो ऐसे
अभी हम इसमें काज करेंगे। वैसे काज की हमने वीडियो पहले ही तैयार कर रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं।